आपने कभी फुटपाथ पे गाड़ियों को खड़े होते देखा है? नहीं सर, ये गलत है। गलत है ना, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग, ये बता सकते हैं मुझे आप? अब ये निकली है, मैंने नाजरीन मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने गाड़ी गलत लगाई हुई है। लाइन में लगी है तो लाइन के आगे मैंने अपने लगा दी, मुझे ये पता है ना कि यहाँ पे लाइन लगी है पूरी। ट्रैफिक पुलिस के तावन से कोई कैंपेन चल रही है जिससे इनको जो है वो आगाही मिल सके? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैर शारिक, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपने कभी फुटपाथ पे गाड़ियों को खड़े होते देखा है? एक ये गाड़ी जो कि बिल्कुल मेरे साथ है और एक ये गाड़ी जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है, आप देख सकते होंगे। ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं फुटपाथ पे कैसे पहुँची, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे, तो आइए मेरे साथ। आपने रिक्शा लगाया इस जगह पे, तो ऐसे रिक्शा लगाना जायज़ है? नहीं, जायज़ बिल्कुल नहीं है। आपको पता है ना कि ये जो है वो सड़क है और यहाँ से जो है वो लोगों ने गुजरना है जिस, और इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब हो सकता है। तो फिर आपने जो है ये रिक्शा यहाँ क्यों लगाया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर माजर चाहता हूँ, वो सवारी का वेट कर रहा था। सवारी का वेट कर रहे थे, सवारी का वेट करने की वजह से जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब हो जाए वो ठीक है? सर ये गलत है। गलत है ना, इलीगल पार्किंग की है ना आपने, और इलीगल पार्किंग ठीक बात नहीं है। ठीक है जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक वैगनार खड़ी हुई है जो सड़क के बीच में, ये कोई पार्किंग प्लेस नहीं है, ये सड़क के बीच में जो है इसने गाड़ी लगाई हुई है और ये गाड़ी ठीक करवा रहा है। आइए इसे पूछते हैं क्या इसने ठीक कदम उठाया है या नहीं उठाया, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है। आपने दोस्त ये जो गाड़ी है बिल्कुल सड़क के बीच में लगाई हुई है, ये पार्किंग प्लेस तो नहीं है ना? जी बस ये करवा रहे हैं, बजा रहे हैं। मुझे आप बताएं सिर्फ मेरे सवाल का, मैंने नहीं खड़ी खड़ी पार्किंग प्लेस तो नहीं है ना, जिसने भी खड़ी की है गलत की हुई है ना, ट्रैफिक का निज़ाम इससे ख़राब हो रहा है, ये कोई पार्किंग प्लेस भी नहीं है। मानते हैं ना इस चीज़ को, ये पाइप लगवा रहे हैं वो तो ठीक है, आप लगवा रहे हैं काम करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग, ये बता सकते हैं मुझे आप? सड़क के बीच में लगाई हुई है आपने, मतलब ये इलीगल पार्किंग आप कह रहे हैं, मानते हैं इस चीज़ को? इलीगल पार्किंग है ना ये सड़क के बीच में लगाना है, मानते हैं ना आप इस चीज़ को? नहीं वो तो खड़ी भी है, उन्होंने भी गलत किया हुआ, तो आप इसको मान रहे हैं कि इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक का निज़ाम खराब होता है। ट्रैफिक तो जनाब उधर से यहाँ से साइड पे साइड पे खड़ी है, साइड नहीं है, साइड वो आगे करके है, साइड पे खड़ी है, मान रहे हैं इस चीज़ को आप? मैंने तो साइड पे खड़ी की। ये तो वैसे ये नाजरीन मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने गाड़ी गलत लगाई हुई है, ठीक है, लेकिन वैसे इन्होंने सुली तौर पर गाड़ी जो है वो गलत लगाई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये इनकी गाड़ी है जो है ये वाली गाड़ी है, इन्होंने इलीगल लगाई हुई थी गाड़ी, इसको आपने उठा के फॉक लिटर के जरिए जो है वो यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने गाड़ी लगाई भी कहाँ थी? इन्होंने गाड़ी उस साइड पे लगाई थी, उस साइड पे लगाई हाँ जी, जो कि बिल्कुल इलीगल जी, चौक के दरमियान में, चौक के दरमियान में लगाई थी, तो आपने उसको उठा के यहाँ रख दिया जी। अब इसके बाद जो है आप इनको फाइन कर रहे हैं? फाइन नहीं, लिफ्टर चार्ज था, फाइन इसका अलहदा से बनता, लेकिन हम लिफ्टर चार्जेज ले रहे हैं। अच्छा लिफ्टर चार्जेज ले रहे हैं, वो कितने होते हैं? 200। वो चाहे गाड़ी हो या कोई भी व्हीकल हो सबके सेम होते हैं? हाँ जी सही हो गया। आप ये लिफ्टर चार्जेज लेंगे और इनकी गाड़ी जो है वो आप रिलीज कर देंगे इस फुटपाथ से उतार के? हाँ जी। आमतौर पे जो भी गाड़ियाँ पकड़ते हैं वो इस फुटपाथ पे रखते हैं, रीगल शॉप के इस फुटपाथ पे रखते हैं, उसके बाद यहाँ से लिफ्टर चार्ज, अगर कोई बंदा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको थाने के हैंड ओवर कर देते हैं और ये अपने सेक्टर ले जाते हैं। सेक्टर कितने मुद्दत के बाद जो है, कितने टाइम पीरियड? अगर ड्यूटी खत्म होने तक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर शिफ्ट होती है उसके दौरान आ गए तो आगे, नहीं तो वो जो है वो थाने की आप हदूद में दे देंगे या अपने सेक्टर अपने सीज कर लेंगे, सीज कर लेंगे, फिर वो बंदा कंसर्न उस थाने में जाएगा वहाँ से रिलीज जी, और डॉक्यूमेंट अपने शो करेगा अपनी कि गाड़ी का ओनर मैं ही हूँ, तो फिर उसके बाद हम उसको रिलीज करते हैं फाइन देख के। सही हो गया, बहुत शुक्रिया कामरान जी। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे आप इस सवाल का जवाब दें कि आप पूछें, आपको पता था कि आपने गाड़ी लीगल लगाई है? नहीं मुझे ये था कि लाइन में लगी है तो लाइन के आगे मैंने अपने लगा दी, मुझे ये पता है ना कि यहाँ पे लाइन लगी है पूरी। हाँ मतलब आप, आपको आ गया, हाँ जाहिर है एहसास हुआ है तो उनके पास आए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फॉक लिफ्टर आ रहा है जो कि इस इलीगल पार्क गाड़ी को, जिस वक्त यहाँ पार्क हुई भी है, इसको उठाने लगा है, जो कि गाड़ी इलीगल थी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पीछे इसको उठा रहा है फॉक लिफ्टर। ये इलीगल जो है वो गाड़ी पार्क थी, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम गरम बरम हो गया था, बिल्कुल अच्छी तरह से
बहुत बुरी तरह से, और इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए लोगों को कि इस तरह से इलीगल पार्क ना करें, नहीं तो ये फॉर्कलिफ्ट की मदद से जिस तरह आप देख रहे हैं कि गाड़ी उठा दी जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो सीनियर ट्रैफिक वार्डन जो कि रैंक से इंस्पेक्टर हैं, मियां साजिद साहब खड़े में हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं रीगल चौक के एरिया में, जहां पर जो है वो इलीगल पार्किंग का बहुत मसला है। लोग अपनी गाड़ियां जो हैं वो कहीं भी खड़ी कर जाते हैं, मोटरसाइकिलें कहीं भी खड़ी कर जाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि मसला क्यों है और इसकी क्या वजूहत हैं ख़ासतौर पर इस एरिया में, क्योंकि ये बहुत मसरूफ़ एक एरिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। साजिद साहब, मुझे ये बताइए कि ये इलीगल पार्किंग क्या है और ये क्यों कर जाते हैं बार बार? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये बहुत बड़ी मार्केट है हार रोड की, बिडन रोड की और पैनोरामा वगैरह, यहाँ पे तमाम ख़रीदारी के मराकज़ यहाँ पे हैं। जितने भी प्लाजे हैं यहाँ पे, मेन बड़े बड़े प्लाजे हैं, इन प्लाजों के बेसमेंट में जितनी भी पार्किंग है, ये लोगों ने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं, दुकानें बनाई हुई हैं, दफातर बनाए हुए हैं, वो जितनी भी ट्रैफिक है वो फिर मेन रोड पे आती है। बात तो गलत है दरअसल कि अगर कोई नाजायज की जगह पे पार्किंग ऑन रोड करके जा रहा है, जिससे ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो रहा है, इस पर कोई ना कोई तो ट्रैफिक पुलिस की हदूद में, नज़र में कोई ना कोई तो सज़ा होगी लाजमी। वो सज़ा क्या है? जी हमारी तरफ से मुसलसल हमारे, आपने देखा, जैसे आपने पहले देखा कि फोर क्लिपर हमारे पास मौजूद है, कि जितनी भी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें रॉन्ग पार्किंग होती हैं उनको फाइन करते हैं हम। इसके अलावा जो कितना फाइन है बता सकते हैं, कोई अमाउंट है इसकी? जी अमाउंट है, गाड़ी को जो कार है उसको 500 है, मोटरसाइकिल को 200 है, ठीक है। और इसकी मदद से हम उठा के जो हर्डल पैदा कर रही होती हैं गाड़ियाँ, उनको साइड पे रख के उनको फाइन करते हैं। इसके अलावा इनके खिलाफ 290-291 की FIR दर्ज करवाई जाती है, ताकि जो ट्रैफिक के भाव में खलल पैदा करते हैं वो उसकी सरकोपी की जा सके। अच्छा, ये जो फॉक लिफ्टर है, ये जो भी आपने, ये जो अभी हमने दिखाया अभी नाज़रीन को शो के अंदर, ये जो फॉक लिफ्टर है इसने उठा ली गाड़ी, इसके बाद का क्या मरहला है? अब जिसकी गाड़ी है वो तो परेशान होगा आके कि मेरी गाड़ी कहाँ गई, हालांकि उसने जो है वो नाजायज़ पार्किंग की है, उसको ये पता था या नहीं पता था, लेकिन पार्किंग उसकी नाजायज़ थी। इसके बाद का क्या प्रोसीजर है? फॉर्कलिफ्टर जो गाड़ी को उठा लेता है, फिर कैसे डील करते हैं आप? ये जब हम फॉर्कलिफ्टर से गाड़ी उठाते हैं तो हम इसको करीब करीब जगह पर रखते हैं और इसका नंबर वगैरह नोट कर लेते हैं, और जब इसका ओनर या मालिक जो भी आता है, वो जब आता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स लेके उसको फाइन करते हैं। अच्छा, ऑनर मालिक आएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उसको फाइन करेंगे? जी फाइन। और वो डॉक्यूमेंट जो है आप कहीं किसी जगह पे सबमिट करवाते हैं और उसको कहते हैं कि वहाँ से ले, या फौरन उसको फाइन लेकर आप उसको डॉक्यूमेंट वापस कर देते हैं? जो फोक लिफ्टर वाला है वो ऑन द स्पॉट ही फाइन है, वो मौके पे इनसे फाइन ले लिया जाता है और इनको चलान टिकट इशू कर दी जाती है। सही हो गया। अच्छा, ये कोई ट्रैफिक पुलिस के तावुन से कोई कैंपेन चल रही है जिससे इनको जो है वो आगाही मिल सके कि आपने जो है वो इलीगल पार्किंग नहीं करनी, और इस जगहों पे जो है जहाँ से ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब हो, लोगों को दुश्वारी पेश आए, घर पहुँचने में ताखीर हो, इसकी वजह से कोई है, कोई कंपेन कर रहे हैं आप लोग? जी तकरीबन सारा साल ही कंपेन जारी रहती है, ये जैसे हम चलान करते हैं साथ इनको ब्रीफ भी करते हैं। इसके अलावा हमारे वक्तर फवतन, हमारे सीनियर अफसरान, उनमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब हैं, हमारे SP साहबान हैं, हमारे DSP साहबान हैं, वो वक्तन फवतन मुख्तलिफ चराहों पर मुख्तलिफ मार्केटों का विज़िट करते हैं और वहाँ पर हम पंफलेट वगैरह तकसीम करते हैं, लोगों को आगाही लेक्चर देते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं इस वक्त मौजूद थे मियां साजिद साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आगाह किया और बताया कि इलीगल पार्किंग क्या होती है और इसकी सज़ा क्या है और इससे जो है वो बचना चाहिए, ताकि लोगों का और आम आवाम का जो है वो नुकसान ना हो और उनको घर पहुंचने के लिए हो सकता है कोई बहुत इमरजेंसी में हो, कोई मरीज़ हो, किसी ने अस्पताल जाना हो, तो आपकी लीगल पार्किंग की वजह से जो है वो किसी की जान भी जा सकती है, किसी का नुकसान भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।